Thank both you. of you for backing you. this show. So Abdon is a start current like in a little bit if you can hear what was the procedure of background this show? Anyone. Care?

दो साल का गैप आ गया था ये मोहब्बत के बाद तो सर का वन फाइन डे ही कॉल्ड मी एंड ही ऑफर्ड मी दिस रोल जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे नेगेटिव करने के लिए कहा था मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही वेदर आई शुड डू इट और नो क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत जल्द जल्दी स्टीरो टाइप कर दिया जाता है एंड एवरी बट देन विद टाइम आई रियलाइज दैट दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू

अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है और बहुत प्रिसाइसली उसका जस्टिफिकेशन दिया गया कि अगर ये मासी है तो ये क्यों है ये चाचा है तो ये चाचा क्यों है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत प्यारा शो है मैंने इसीलिए इस शो के लिए हाँ करी है या yeah, सो so, uh, सबसे पहली बार जब मुझे uh, uh, संदीप की टीम से कॉल आया था तो मुझे कहानी सुनाई गई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और जनरली uh, अगर कहानी अच्छी होती है तो किसी भी एक्टर को उससे जुड़ने का मन होता है तो मेरा भी मन हुआ था कहानी को सुन के इससे जुड़ने का और फिर उसके बाद आता है कि मेरा किरदार तो मेरा किरदार भी उतना ही अहम है और कहानी को आगे लेके जाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है तो ये दो पहलू थे जिसको लेकर के और हाँ एक और पहलू था कि मुझे संदीप सिकंद के साथ काम करने की बहुत ही इच्छा थी और इस शो से वो जो वो मेरा बकेट लिस्ट था कि यू नो आई वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम सो ऑल दीज थिंग्स फेल इन प्लेस एंड दैट्स आउ आई केम ऑन बोर्ड so I am playing the character of Deep Malhotra and uh, this is a character which is a bridge between the younger generation and the older generation and uh, uh, there are a lot of other characters in the show which uh, take the story forward and uh, वो सारे जो characters हैं वो drama काफी add uh, करते हैं story में और drama बहुत ही जरूरी है लेकिन drama के साथ साथ एक break भी जरूरी होता है कि ज़्यादा drama बढ़ना जाए तो उसको balance करने के लिए एक break चाहिए होता है तो जो मेरा किरदार है इट एड्स रिलीफ टू द ड्रामा इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर एंड इट एड्स द फन एलिमेंट टू द शो सो विच इज़ वॉट डीप मल्होत्रा इज़ ऑल अबाउट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ कामना मल्होत्रा जो कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है और जैसे कि मैंने पहले बताया नेगेटिव कैरेक्टर करने से पहले सब लोग सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं पर ये जब शो में कोई एक मेनली पॉजिटिव होता है तो उसको काउंटर करने के लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर ज़रूरी चाहिए होता है और मुझे लगता है टी इंडस्ट्री में नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत ड्रामेटिक तरीके से निकल के आते हैं सपोज आप कमोलिका की बात करें या रमोला सिकंद की बात करें तो उन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है एंड एग्जैक्टली वॉट आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू और नेगेटिव uh, कैरेक्टर ना अपने आप में करना बहुत चैलेंजिंग होता है बट विद टाइम आई एव रियलाइज़ कि उनकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत होती है uh, एक शो में एक फैमिली में तो वही मेरा कैरेक्टर है और uh, बहुत अच्छा सा प्लेस है इट्स वेरी ब्यूटिफली प्लेस इन द शो एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू प्ले कामना Yeah, so initially I wasn't really sure and uh, when I spoke to the creators and the writers and uh, तो उन्होंने बहुत अच्छे से justify किया कि अगर मैं aunt हूँ तो मैं क्यों हूँ I am a step mother so I am probably as old as Ritesh but uh, क्या रीज़न्स थे क्यों मैं अपने ही ब्रदर इन लॉ से शादी कर लेती हूँ एंड uh, क्या मेरा लुकआउट है इसको लेके uh, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप देखेंगे शो का आपको पता चलेगा बट क्योंकि मुझे इसका क्लियर जस्टिफिकेशन मिला uh, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मतलब आई कैन डू दिस बिकॉज इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कैरेक्टर बहुत मेरी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है या फिर ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि मैं नहीं हूँ इन रियल लाइफ ऐसा नहीं है बिल्कुल जस्टिफाइड है कामना मल्होत्रा जो वो प्ले कर रही है और टी में ना एज और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बिकॉज आफ्टर अ टाइम एवरी द शो टेक्स अ लीप और सब बड़े हो जाते हैं सब मतलब कभी कभी मेन लीड्स ग्रैंड पेरेंट्स भी प्ले करते हैं सो इट एक्चुअली डजेंट मैटर इन टेलीविजन डेफिनेटली हाँ अभी नहीं किया नहीं। मैंने सर का डेफिनेटली काम सालों से देखा है बहुत ज़्यादा देखा है ही इज़ अ फैबुलस एक्टर पहले काम साथ नहीं कर पाए थे लेकिन आई थिंक जिस दिन हम मिले पहले दिन हमारी वर्कशॉप थी दैट डे ओनली वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड मतलब सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शायद जेलअप किया हंसी मजाक किया और uh, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाई हूँ ऑलरेडी क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वरना मुझे लगता है हर जगह यू नो जब आप एंटर करते हैं किसी नए शो में थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है बट हम लोगों को इतना टाइम लगा नहीं एंड इंस्टेंटली वी क्रैक्ट द यू नो रिलेशन विद ईच अदर सो इट वॉज वेरी गुड या सो द फर्स्ट डे जब हमारा वर्कशॉप था सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन एंड वो उनके uh, जैसे जो कैरेक्टर नेगेटिव प्ले करती है तो उनकी खास बात जो पहले उन्होंने नेगेटिव प्ले किया था तो लोग uh, uh, उनको पसंद भी उतना ही करते हैं ऐसा नहीं कि negative character play है कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं तो ऑडियंस उनको पसंद नहीं करती ये एक खास बात है और uh, 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 हमारा जब हमने वर्कशॉप किया था उस, उस समय जब जब हमारी बात हुई और जो भी हम इंटरव्यूज़ वगैरह के हिस्सा बने हैं तो उसमें एक अच्छी सी बॉन्डिंग क्रिएट हुई है और वो जो बॉन्डिंग है वो ट्रांसलेट करेगी हमारे काम में भी और क्योंकि वो काम में अच्छे से ट्रांसलेट करेगी तो लोगों को वो केमिस्ट्री देखेगी और उनको शो देखने का मजा आएगा I think it totally depends on the girl and the partner if you have the right partner a supportive partner then nothing is difficult uh, I have recently posted something on Instagram um

आपकी अगर फैमिली आ, शादी से पहले फादर होते हैं जो एक रोल प्ले करते हैं जो मुझे यहाँ भेजने में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल था सिमिलरली आफ्टर मैरिज आई थिंक माई हजबेंड हैज़ प्लेड दैट रोल एंड वेरी स्ट्रांगली एंड इफ आई एम बैक हीयर अगैन आफ्टर शादी इज बिकॉज ऑफ आई गिव हिम द क्रेडिट अभी अभी शादी हुई है तो हस्बैंड से यस <laughs> 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 yes, हसन so, Uh, मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं उन सब से uh, uh, एक अटैचमेंट मेरी रहती है और सब सबके साथ uh, uh, मेरा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है सो so, uh, वो कभी uh, अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है सो दिस इज़ आउ आई एम मैं यही बोलना चाहूंगी कि पाँच जुलाई से शो आ रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल शो ब्यूटीफुल स्टोरी आप लोग कनेक्ट uh, कर सकेंगे प्लीज़ देखें फिफ्थ जुलाई से नॉन स्टार भारत एंड लव दिस शो एज मच एज यू कैन थैंक यू या दिस शो इज़ इन इट सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटिफुल शो द स्टोरी इज़ वेरी गुड सो ट्यून इन बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड मेक इट अ सक्सेस थैंक यू